Here are some of today's top political updates. Centre's response to Mamata letter to cover up delays. The letter war between West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and the Centre continues. Union Women and Child Development Minister Annapurna Devi has responded to Mamata's second letter seeking a stringent law and exemplary punishment on heinous crimes such as rape and murder. The West Bengal CM, in her second letter addressed to Prime Minister Narendra Modi, had sought a mandatory provision for time-bound disposal of rape and murder cases. These letters come at the backdrop of CBI investigation into the rape and murder of a trainee doctor in Kolkata's RG Kar Medical College and Hospital. As the farmers' protest completes 200 days on Saturday, Olympian Vinesh Phogat is set to participate by joining those agitating at Shambhu and Khanori borders. Since the 13th of February earlier this year, farmers have been camping at Shambhu after authorities halted their march to Delhi. They are demanding a legal guarantee of MSP for all crops, among other issues. सभी देश के नागरिक हैं और किसान ही है तो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। आपको लगता है कि 200 दिन जैसे पूरे हो गए लगातार किसान मांग कर रहे हैं अपनी मांग की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग को सुना भी नहीं गया। वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं, लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम खुद ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। हमारे परिवार को लड़ना आ गया है शायद। उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। तो बस वही है कि विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में सर। मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का, मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है। सच्चाई बता रही हूँ, कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। कंगना रनौत क्लेम्स इमरजेंसी सर्टिफिकेशन स्टॉप ड्यू टू डेथ थ्रेट्स। BJP Mandi MP and actor Kangana Ranaut put out a video message on Friday saying that the clearance for her film Emergency has been stopped because of the threats to members of the Central Board of Film Certification, that is the CBFC. कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हमें हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी के असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडनवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो दिस इज़ अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी एंड आई एम वेरी सॉरी for the state of things in this country. Until late Friday, there was no response from the CBFC to the claim. The film was slated for release in theatres on the 6th of September. This comes a day after she met Union Health Minister J P Nadda at his residence in Delhi over her comments about the 2020-2021 farmers' protests. PM Modi calls for faster justice in crimes against women amid protests. As nationwide protests continue over crimes against women, Prime Minister Narendra Modi has called for faster justice delivery in such cases, calling it a matter of grave concern for society. Speaking at the inaugural ceremony of the two-day National Conference on District Judiciary organized by the Supreme Court in New Delhi, PM Modi stressed the importance of swift justice. He said, and I quote, "The faster justice is delivered in cases of atrocities against women, the greater assurance half of the population will have about their safety."